हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत चौहान और हमने पिछले वीडियो में बात की थी डायमंड बेक मॉथ इंसेक्ट की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है और वो लीफ को किस तरह से फिट करता है। आज हम इस वीडियो में उस इंसेक्ट के बारे में जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और वो डैमेज किस तरह से करता है प्लांट को और हमको उसके कंट्रोल के लिए किस तरह से मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम क्लूटेला मेक्यूली पेनिस है, जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है और इसकी जो फैमिली होती है प्लूटिनिडी होती है। ओके, सो हम इसके होस्ट प्लांट की बात कर लेते हैं तो ये कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रेडिस, मस्टर्ड, टर्निप आदि प्लांट पे अपना इफेक्ट पहुंचा। आप लोग जो स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो डीबीएम इंसेक्ट के एडल्ट स्टेज होती है। यह इंसेक्ट गोभी की नर्सरी को भी काफ़ी तरह से नुकसान पहुँचाता है। यह लार्वा देखने में छोटा साइज का होता है लेकिन फसलों को काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाता है। यह लार्वा लीफ की निचली सतह में सुरंग के अंदर खाता है तथा बाद में बड़ा होने पर बाहर भी रहकर पत्तियों में छिद्र छिद्र बनाकर पत्तियों को खाता है। आप देख पा रहे हैं कि पत्तियों में किस तरह से छिद्र किया हुआ है ये इंसेक्ट। इसी तरह पत्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है यह इंसेक्ट। अब इस इंसेक्ट की हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इस इंसेक्ट की चार अवस्थाएँ होती हैं। एक, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। जो एक से जो लार्वा बनने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 से 6 दिन का होता है। एम लार्वा से प्यूपा बनने में से 14 से 21 दिन का समय लगता है। फिर प्यूपा से एडल्ट बनता है 4 से 5 दिनों में। इसी तरह से इस इंसेक्ट की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो 15 से 18 दिन की होती है। इनकी बॉडी सरफेस पर बाल जैसी संरचनाएँ पाई जाती है। कंट्रोल मेजर की बात करें तो इसमें जो मस्टर्ड क्रॉप होती है उसको हम ट्रे क्रॉप के रूप में यूज़ करते हैं। मेन फसल कॉलीफ्लावर के दोनों साइड एक या दो लाइन में मस्टर्ड क्रॉप की सोइंग कर दो, जिससे कि जो इंसेक्ट जो मेन फील्ड में आने वाले होते हैं वो नहीं आ पाते, मस्टर्ड क्रॉप को ही फिट करते हैं। फसलों को काफ़ी कम मात्रा में नुकसान पहुँचाती है। हम लोग इसके कंट्रोल के लिए फिनोमेन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इंसेक्ट इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इंसेक्ट की उसी में डेथ हो जाती है। और फसलों को काफ़ी कम मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि मेन फसल में यील्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केमिकल कंट्रोल की बात करें तो हम लोग इसमें DSP-99 का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि 800 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका यूज़ करना चाहिए फील्ड में। और हम लोग इसके ऑर्गेनिक कंट्रोल की बात करें तो नीम के सीड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसे हम 1 ml/L के हिसाब से 10 दिन के इंटरवल में 2 से 3 बार फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इंसेक्ट का आक्रमण काफ़ी कम हो और किसान भाइयों को अच्छी खासी उपज प्राप्त हो सके। इसी तरह आप बने रहिए एग्रो क्लिनिक के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।